नोटिफिकेशंस फॉर यू कि आपके भाई अपना यूट्यूब कैरियर ख़त्म कर रहे हैं अब इंशाल्लाह क्या कहना है अब आइंदा ना नहीं अब ये लास्ट व्लॉग होगा मेरा अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा कब अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। तो जी आज आपके भाई ने व्लॉग शुरू कर दिया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। शोरूम से लाइट शेड गई है, व्लॉग शुरू करना था जल्दी लेकिन जरा पहले मैं मसरूफ था जिसकी वजह से नहीं किया। मैं संगे दे हैं वो चमक रहा है ये हमारे ये हमारे फारक बंदा है ये वही बंदा है इसको पहचानो ये कौन है ज़रा कमेंट में मुझे भी बताओ। तो खैर सीन कुछ ऐसे आप आपका भाई ज़रा गुड न्यूज़ आई है कि गाड़ी हमारी फौरन ही फौरन याद रखिए और दसा मैं खैर खुशखबरी आई है कि गाड़ी हमारी ओके हो गई है तो फटाफट बड़े खुश दिली से गाड़ी रिसीव करने जा रहे हैं। भाई ने पानी का काम शुरू कर दिया और हमारा ये सेटअप है ये सोचा मिलता है पानी और हम भाई भी यार भी इस तरह करके लोगों के घर पानी दिया करेंगे क्योंकि हालात बहुत टाइट हैं पैसे कैसे दिए आज जैसा कि आपको पता है आपके भाई की गाड़ी का नुकसान हुआ है तो पैसे पूरे करने हैं तो इसलिए आज से हम पानी का कारोबार भी करेंगे। ये हमारी पानी है एक कोचा बैठा हुआ है ये लड़का है काम साहब भाइयों ने मैं इंतजार कर रहा हूँ बताता हूँ जरा चलिए कोचे ने पता क्या किया इसने काम चोरी की है ना काम चोरी की है इसने रास्ते में लिफ्ट मांगी कि भाई मुझे मैंने कहा भाई मुझे आगे तक ले जाओ मैं कहा चलो ठीक है बैठ जाओ इसको तो मैंने बिठाया बिठाया साथ इसने रेडी भी पकड़ लिया कहता ये पूरा रोड बड़ा लंबा रोड था 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर मान लिया 2 किलोमीटर मैं कहा चलो कोई गल नहीं आई ओ फिर रेडी फट गए फिर आपके भाई ने जरा इसे ड्रॉप कर दिया और एक और कुछ भी नहीं लिया खैर मिलते हैं जरा जा रहे हैं हम रेडियो मोल पास। यहाँ पहुँच चुके हैं किसके पास इलेक्ट्रिशियन के पास वर्कशॉप पे और गाड़ी के अंदरूनी हालात फिलहाल ऐसे हैं बहुत सारा गुच्छा गुच्छा पानी को वाला ए सी उसी चेक कर रहे हैं जरा गाड़ी की ट्राई देने आलिम साहब आलिम उन पूरी अच्छी ट्राई देगा फिर जरा ओके बाय करेंगे सर। तो जी भंजन हमने गाड़ी की ट्राई शायद ले लिया गाड़ी फुल ओके शोके है और सीन कुछ ऐसे हैं सीन थोड़े से बैड हो गए हैं समय से बाहर है एक नुकसान ख़त्म नहीं होता दूसरा नुकसान सर भी होता है सितारे मुझे लग रहे हैं कि फुल टाइम गर्दिश में आ चुके हैं। ये विंडो ऊपर नहीं होती यार सही तो है कूलिंग ये विंडो ऊपर नहीं होती सही है ये कहने सही है लेकिन थोड़ी सी ज़रा चेक करेंगे भाई उसके अलावा एक और चीज़ है मैं ये जब तक विंडो ही ना आपकी ऊपर होनी ये तो ऊपर अभी ये तो जी भाई जान सीन कुछ ऐसे हुआ है दूसरा नुकसान ये हुआ अभी आपका भाई इधर ए सी वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए गए थे हम तो बाइक साहब वाले जी आए हैं बाइक वाले ने पूरी हमारी साइड उठा दी है आपका भाई आपको दिखाता है ज़रा एक तरफ से पूरा दरवाज़ा साहब चले गए हैं ये सारी साइड उसके भाई ये यहाँ पे उसका हैंडल लगा था ये वाला टेंट इस साइड से वो ये अभी तो आपके भाई ने पूरी इस तरह यहाँ से पुल में ऊपर चढ़ा हूँ और राइट लेफ्ट साइड से आया है और सीधे ही आगे इस तरह हालांकि मैंने पूरी गाड़ी उधर को भी ले गया हूँ अगर आपके भाई उधर गाड़ी ना लेके जाता तो स्पीड भी स्लो थी ये नहीं कि अगर हम रैश ड्राइव करें ये गाड़ी टेस्ट करने के थे पास ही तो खैर वो जितनी स्पीड में वो टर्न ले रहा था वो इसी तरह पुल ये जो आज़ादी चौक वाला पुल है इस तरह वो मोड़ा था मुड़ते मुड़ते वो सीधा इस तरह अगर आपका भाई उधर ना लेकर जाता तो आपके भाई का पूरा दरवाज़ा ही ख़राब हो जाना था। तो यार बड़ा ना अजीब सा सीन है समझ से बाहर है एक नुकसान दूसरा नुकसान तीसरा नुकसान कभी ये जा रहा कभी वो जा रहा है ये तो अब जिस भाई को पता होगा कि जिस गाड़ी का कंप्यूटर उठ गए और 20-25 हज़ार रुपये का तो खाली कंप्यूटर है उसके बाद इसका ए सी का थोड़ा सा काम था और वायरिंग जो थी पानी चला गया था वो शॉर्ट था इस तरह करवा कर वो के बड़ा लंबा खर्चा पहले पड़ चुका था अब ये दरवाजे में डेंट है पिछले फेंडर में डेंट है पिछली डिक्की के ऊपर डिक्की हाँ डिक्की वाली साइड पर उधर डेंट पेंट तो खैर आज मैं गाड़ी लेने आया था लेकिन गाड़ी नहीं मुकम्मल हुई गाड़ी की वो ज़रा एसी का बेल्ट ख़राब था वो ज़रा उसने कहा दुकानें बंद हो गई होंगी तो
कह रहे हैं हो ही जा रहे हैं मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल कह रहा है मैं ना ब्लॉगिंग करना ही छोड़ दूँ, ये यूट्यूब पे ब्लॉग डालने छोड़ दूँ। शायद नज़र लग रही है गर्दिश में है, समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरा फैसला हो सकता है कि मैं ना अपना यूट्यूब कैरियर ख़त्म कर लूँ। खैर इस बात पर सोचेंगे, अगर बल्कि क्या सोचना क्या है मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों ने बताना है कि यार इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए, यूट्यूब को छोड़ना चाहिए, ज़रा जितना दिखा रहे हैं उतने नुकसान होते जा रहे हैं। एंड फैसला यही होगा मेरे पास, मैं चुप करके इजी लाइफ जीऊँ अपनी, ना वीडियो लगाऊँ, ना स्टेटस लगाऊँ, ना टिकटॉक पे डालूँ, ना यूट्यूब पे डालूँ, ना लोगों को बताऊँ। लोग भी बड़े हैं, किसी को नहीं बर्दाश्त होता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बड़े लोग हैं, चलने वाले भी, मस्त करने वाले भी, प्यार करने वाले भी। खैर गाड़ी हम आज यहीं छोड़े हैं, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, तो सुबह आएंगे, अब बैठने शटे तब तक डल चुकी होंगी, तो फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। मेरे ख्याल से ये लास्ट व्लॉग हो मेरा, बाकी आप लोगों का प्यार है, तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस घर बाइक पे। फिर घर जाके मैंने जाके घर नहीं बताना कि इस तरह हुआ है, फिर उन्होंने परेशान होना है इस तरह वाले मामले। खैर मिलते हैं फिर, अब अगला व्लॉग पता नहीं आता है या नहीं आता, अगर ना आए तो फिर आप अपने भाई की मजबूरी को समझना। तो खैर इंशाल्लाह दुआ करो कि अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ, हर मामला सही होता है। ईद का भी यही था कि ईद पे गाड़ी नहीं बंद हो गई थी, हो सकता है अगर गाड़ी होती तो किसी बड़े नुकसान बड़ा नुकसान हो जाता, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती या मैं कहीं जाने से रोका हुआ। बड़े प्लान होते हैं, मैंने तो भाई अपने दिल में यही डाला था कि खैर इसी में कोई बेहतरी होगी, जिसकी वजह से मेरे पास से 2-4 दिन गाड़ी नहीं थी। तो बस इसी तरह ही है, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। खैर आप अपने भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान करें, और ये मज़ीद मामला जो होते हैं जो हो रहे हैं, कभी पैसे ले देता है, कोई पैसे फंसा देते हैं, कभी घूम जाता है, कभी ये हो जाता है, वो हो रहा है, बड़ा यार अजीब सिचुएशन है। मिलते हैं ज़रा थोड़ी देर बाद, अब मैं तो जी सीन कुछ ऐसे, हम घर के पास पहुंच चुके हैं, वहां से मैं आ गया था, गाड़ी हमने उधर ही छोड़ दी है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस फॉर यू कि आपके भाई अपना यूट्यूब कैरियर ख़त्म कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह क्या कहना है, अब आइंदा ना नहीं, अब ये लास्ट व्लॉग होगा मेरा, अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगा। काफ़ी डिस्टर्ब सीन चल रहे थे काफ़ी देर से, तो खैर अब आपका भाई ने फैसला कर लिया, तो मिलेंगे फिर कभी दिल किया तो। चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा, अच्छी सपोर्ट दी थी आपने। खैर ख़त्म जब जो भी था, अल्लाह हाफिज़।